स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम के समय महिलाओं द्वारा बाहर से आए मेहमानों व खिलाड़ियों को पारंपरिक व्यंजन परोसे जाते हैं। विशु मेले ट्रांसगिरी क्षेत्र के अलावा जिला शिमला और उत्तराखंड में हर वर्ष मनाए जाते हैं। पुराने जमाने में युवाओं और युवतियों के लिए वर मेलों के माध्यम से ढूंढे जाते थे। तब से आपसी संपर्क के सूत्रधार इस मेले को आयोजित किया जाता है और बदले जमाने में सुविधाएं भी बदल रही हैं। लोगों का कहना है कि आज भी लोग अपनी पुरानी परंपरा को नहीं भूले हैं। क्षेत्र के युवाओं के लिए मेले ही बाहरी क्षेत्र से आने जाने और सभी रिश्तेदारी सगे संबंधियों सहित बाहरी लोगों से मिलने का माध्यम है। इसलिए हर वर्ष का आयोजन निर्धारित तारीख को पौराणिक संस्कृति के आधार पर ढोल नगाड़ों के साथ शुरू किया जाता है। सोलन के गंज बाजार में कांग्रेस ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनके साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। जनसभा में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला। वहीं वीरभद्र सिंह ने भाजपा पर जमकर प्रहार भी किए और उनकी खामियों को जाहिर कर कार्यकर्ताओं का जोश दुगना कर दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि भाजपा ने अपने वरिष्ठ नेताओं लाल किशन अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार को ऐसे काट दिया है जैसे कोई जलने के लिए पेड़ से लकड़ी काटता हो, लेकिन वे दिन दूर नहीं है जब ऐसा करने वाले के साथ भाजपा ही ऐसा करेगी। वीरभद्र सिंह ने एक बार फिर से धूमल परिवार को घेरने का प्रयास किया और कहा कि उन्हें धूमल परिवार ने जेटली के साथ मिलकर इसलिए टारगेट किया था क्योंकि उन्होंने HPCA का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा ने द्वेष की भावना से काम किया है और उन्होंने केवल राजनीतिक प्रतिशोध के लिए राजनीति की है। उन्होंने सभी को एक होने का आह्वान किया। उन्होंने आज के समय की तुलना हिटलर राज और मुसोलिनी राज से की। उन्होंने कहा कि देश में प्रजातंत्र का राज खत्म हो रहा है और इसके लौटने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। जेनेसिस फाउंडेशन ने कसौली में रॉक बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया। इस कॉन्सर्ट में देश के नामी ग्रामी सुप्रसिद्ध रॉक बैंडों ने भाग लिया और अपने गीतों से उपस्थित दर्शकों का खूब मनोरंजन भी किया। शुभांगी जोशी और प्रतिज्ञा बैंड ने एक के बाद एक तराने छेड़कर उपस्थित दर्शकों को झूमने पर मजबूर भी कर दिया। आपको बता दें कि जेनेसिस संस्था रॉक बैंड कंसर्ट का आयोजन संस्था में फंड बढ़ाने के लिए करता है ताकि इस फंड का इस्तेमाल वे गरीब परिवारों के बच्चों के लिए कर सकें जो हृदय की विशेष बीमारी से पीड़ित होते हैं। फाउंडेशन के संस्थापक ज्योति सागर ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन फंड एकत्रित करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक संस्था करीब 2100 बच्चों का इलाज करवा चुकी है जो हृदय की बीमारी से ग्रस्त थे। उन्होंने ये भी बताया कि 3 वर्ष पहले 7 घंटे की बच्ची की सर्जरी करवाई गई थी जो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि अगर इस विशेष हृदय रोग को इलाज समय पर नहीं होता है तो बच्चों की उम्र कुछ माह तक ही होती है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था उन गरीब परिवारों की भी मदद करती है जिनकी आय 10,000 प्रति वर्ष से कम होती है।
जयराम ठाकुर ने पार्टी को मजबूत करने के लिए आखिर अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रत्येक जिला में अपने नजदीकियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देकर अपने सिपाही खड़े करने भी शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत सोलन में कई वर्षों से वनवास काट रहे पूर्व मंत्री और भाजपा के धुरंधर नेता रहे महेंद्रनाथ सोफत की वापसी हुई है। क्यास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने यह निर्णय इसलिए लिया है ताकि राजीव बिंदल के जाने से पार्टी कमजोर व नेता विहीन हो चुकी है, पार्टी को एक बार फिर से मजबूत लीडर मिले और पार्टी में फिर से नए रक्त का संचार हो। पार्टी में शामिल होने के बाद महेंद्र सोफत सोलन पहुंचे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया तथा फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत हुआ। सोफत ने कहा कि प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिल रहा है और उनके सत्ता में आने से प्रदेश में भाजपा बेहद मजबूत हुई है और उन्हें आज बेहद खुशी है कि वे अपनी पार्टी में एक बार फिर से शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व को यह आश्वासन दिया है और ये प्रण लिया है कि वे प्रदेश में भाजपा को मजबूत करने के लिए पूर्ण शक्ति से काम करेंगे।